परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लिया और महाआरती में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और बातचीत में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र से हमारी आस्था जुड़ी है। जो इस धरा पर गीता जयंती का आयोजन हो रहा है उस जगह पर प्रदेश और दुनिया के लोग खींचे चले आते हैं। आपको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 22 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिरकत भी करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र हमारे आस्था है, कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है और जहाँ गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो गीता जयंती का आयोजन किया गया है देश और दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ धर्म और धर्म की लड़ाई की संस्कृति से एक हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ से गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता है ये क्षेत्र है और आज मैं इस पर्व पर यहाँ पर आया हूँ और सभी किसी मुख्यमंत्री किसी राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है किसी किसी मंत्री का है और लगातार कार्यक्रम रहते हैं। ये मेला लगातार चलता है तो मैं तो आज के इस दोस्तों सबको बधाई दूंगा कि इस तरह के मेले में सबकी परिचित हुआ। कल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, परसों अमित शाह जी आ रहे हैं कि मेले में खास। हाँ, मैंने कहा ना इसमें सारे हमने केंद्र प्रदेश के सभी नेता और इसमें सभी लोग आते हैं, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे कांग्रेस से हो, सब लोग यहाँ आते हैं। सब लोग अपने केंद्र जेपी नड्डा जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, मुख्यमंत्री जाए, उससे पहले उपराष्ट्रपति जाए थे। तो ये क्या है कि यहाँ पर लगातार इस तरह कार्यक्रम होते हैं।